नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश है कि यूपी एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। आज बात करेंगे हम सिकंदरा राव विधानसभा की कि आखिर सिकंदरा राव विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है, किसके तारे बुलंद है और किसका हौसला बुलंद है सियासी तौर पर। इसको जानने समझने के लिए आज हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूँ सिकंदरा राव की। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, तो ये जो तस्वीरें आप देखेंगे सिकंदरा राव की, ये तस्वीरें रहेंगी जहां आज हम आपको ले चलेंगे डिजिटल रूप से, इधर का निरीक्षण करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर यहां क्या कुछ चल रहा है। सड़कों का जो मौजूदा हाल है वो देख सकते हैं आप, साथ ही साथ सड़कों को लेकर यहां पर एक बड़ी समस्या बताई जाती है और इस बार का जो मुख्य मुद्दा है वो भी बताया जा रहा है कि सड़कें ही हैं। 2017 के बाद 2022 में सिकंदरा राव कितना बदला है, इसको जानेंगे और समझेंगे। इसके लिए हमारे साथ हमारे ज़मीनी कार्यकर्ता, रिपोर्टर और एक आम दर्शक भी जुड़ेंगे जिससे हम बातचीत करेंगे। सिकंदरा राव विधानसभा की आज हम बातचीत कर रहे हैं। विधायक यहां से वीरेंद्र सिंह राणा हैं। वीरेंद्र सिंह राणा 2017 में भारी मतों के साथ विजयी हुए थे, लेकिन जो दावे और वादे 2017 में किए गए थे क्या वो 2022 में पूरे हुए हैं, इसको आज जानेंगे और समझेंगे। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि 2017 में जिन सड़कों को एक मुख्य तौर पर मुद्दा बनाया गया था, 2022 में भी वही मुद्दा नज़र आता है। ऐसे में ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या 80 विधानसभा सिकंदरा राव का चुनावी माहौल जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। और 2022 में जब सिकंदरा राव विधानसभा एक बार फिर सामने है, चुनावी मैदान में आ चुकी है, तो ऐसे में ये चीज़ भी जानना ज़रूरी होगा कि हाथरस कांड यहाँ पर कितना ज़्यादा प्रभाव रखता है। दीपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता हैं। हमारे दीपेश, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। वो देखिए, उसका कारण है हिंदू समाज जो है इस समय जो है पतन का के दौर में। ठीक है दीपेश जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? ठीक है, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हाथरस कांड ने सिकंदरा राव विधानसभा पर आखिर कितना प्रभाव डाला है, क्या सिकंदरा राव विधानसभा बदलती हुई नज़र आ रही है या फिर नहीं, क्या सियासी तौर पर यहाँ कोई बदलाव देखा जा सकता है या नहीं। आपको एक बात बताते हैं कि सिकंदरा राव विधानसभा जो है वो हाथरस में आती है और हाथरस कांड जो है वो एक तरीके से सियासी राजधानी के तौर पर देखा जा रहा है, जहां सियासत की रोटियां सेकने का काम हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से कर रहा है। विपक्षी जहां हाथरस कांड को लेकर सिकंदरा राव विधानसभा में भी यहां सियासी रोटी सेकने की भरपूर जुगत में जुड़े लगे हुए हैं, तो इसको भी जानेंगे और समझेंगे कि आखिर हाथरस कांड का सिकंदरा राव विधानसभा में क्या असर देखा जा रहा है। दीपेश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपेश बहुत बहुत स्वागत आपका। दीपेश आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? दीपेश आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? ठीक है, चलिए दीपेश को एक और बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। 80 विधानसभा है सिकंदरा राव, जहां का चुनावी माहौल आज जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस विधानसभा से जो एक डायरेक्ट जो चीज़ जुड़ी हुई है वो ये है कि यहाँ पर जिन मुद्दों को लेकर जो बातें की गई थी 2017 में वो आज भी उसी तरह से एक बार फिर मुद्दे बनकर सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि आप बस स्टैंड की जो मांग थी वो पिछली दफ़ा भी की गई थी कि एक बस स्टैंड होना चाहिए, लेकिन एक बस स्टैंड सिकंदरा राव को अभी भी नहीं मिला है। 2022 के चुनाव आ चुके हैं, लेकिन 2017 में किए गए वादे और दावे एक बार फिर उसी शक्ल में, उसी सूरत में एक बार फिर सामने हैं। तो एक बार फिर हमारे साथ दीपेश जुड़े हैं। दीपेश हमारे संवाददाता हैं और साथ ही साथ एक आम दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपेश सबसे पहले तो आप पर आऊँगा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? दीपेश आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? चलिए ठीक है, कनेक्शन की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हमारे साथ एक आम दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका नाम क्या होगा, नाम बताइएगा सर पहले अपना। बीएन शर्मा जी। शर्मा जी ये बताइए सिकंदरा राव विधानसभा में आखिर क्या कुछ चल रहा है सियासी तौर पर, उसको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, नब्ज टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले ये बताइएगा कि सिकंदरा राव में जो दावे और वादे कर 2017 में जो विधायक जी बने थे बीजेपी से, वो 2022 में जब एक बार फिर उनका टिकट फाइनल हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि टिकट अगर फाइनल किया है बीजेपी ने, दोबारा से उसी विधायक को सिटिंग एमएलए को टिकट दिया गया है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात रही होगी जिसको देखते हुए दोबारा से टिकट दिया गया है, तो जनता इसको किस तरह से ले रही है?
नहीं, एक जो स्पष्ट कह सकते हैं कि पार्टी के लिए तो ये रहा कि वो जो विधायक हैं उनका कोई लेने देने का, या कह सकते हैं ब्लैक लिस्ट में वो नहीं आए, यानी साफ चरित्र रहा, ये कैरेक्टर साफ रहा। लेकिन यदि वही यदि जनता के बीच काम की बात करें तो काम के नाम पे विधायक जी का आना जाना बहुत कम रहा है, लोग उनके उससे नाराज हैं, और जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं। जैसे सिकंदरा विधानसभा में क्षेत्र में लगभग कई ऐसे गांव हैं जहां पानी की बहुत बड़ी समस्या जो पहले भी बनी हुई थी और आज भी होकर तो बनी हुई है। पानी की समस्या को लेकर कई आंदोलन हुए, सड़कों को लेकर कई आंदोलन हुए। अभी हाथरस के जो जंक्शन एरिया है वहां से एक रोड जाता है जलेसर के लिए, वहां से रेलवे लाइन का बाईपास निकल रहा है, तो उस में से जो रेलवे लाइन है उसका ओवरब्रिज ना बना के अंडरपास बनाया जा रहा है, तो उसको लेके काफी बड़ा आंदोलन है जिसके लिए विधायक जी का कभी लोट नहीं रहा। तो कह सकते हैं विधायक जी से कुछ नहीं, बहुत सारी ऐसी नाराजगियां हैं कि काम क्षेत्र में लोगों के पास ना जाना, लोगों को ना समझा पाना, और बहुत सारे ऐसे काम है जो अभी तक नहीं हुए जो उनके वादे के अनुसार थे। जी ठीक है, बाकी और भी पैमाने होते हैं जिस पर हम जानने की कोशिश करते हैं, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, बेरोजगारी हुआ, इस पर सिकंदरा राव में कितना बदलाव देखने को मिला है? नथिंग कह सकते हैं कि जैसा था वैसा का ही वैसा है। ना शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा बढ़िया हुआ है कि अपडेट कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया गया हो। ठीक है, चलिए, ट्रॉमा सेंटर की बात थी, वो बना जरूर लेकिन वो चालू नहीं है, वहाँ टीम्स नहीं है, डॉक्टर्स CSC भी हैं बहुत सारे, सभी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है। ठीक है, दीपेश से भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। दीपेश, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए ठीक है, शर्मा जी को हम जोड़ेंगे, शर्मा जी हमारे साथ हैं। तो शर्मा जी, एक और चीज़ है कि हाथरस जो कांड हुआ था उसको लेकर तमाम विपक्षी दल जिस तरीके से इसको एक पूरी तरीके से नेशनल, क्या कहूँ इसको, तो इंटरनेशनल मुद्दा बनाया गया था, तो हाथरस कांड का कितना प्रभाव देखने को मिलेगा सिकंदरा राव विधानसभा में? ये कह सकते हैं कि हाथरस कांड का जो, अभी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक ठाकुर प्रत्याशी को उतारा गया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी एक ठाकुर प्रत्याशी को उतारा है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के एक ठाकुर प्रत्याशी जो दावेदार थे वो न उतर के एक बघेल प्रत्याशी को उतारा है। तो यहाँ जो चलता है वो जातीय समीकरण है, बहुत बड़ा जातीय समीकरण माना जाता है, और जो सिकंदरा राव क्षेत्र है तो इसमें लगभग 1,10,000 से ऊपर वोटर जो वो ठाकुर वोटर है, तो वो अहम रखता है क्योंकि वो एक ठाकुरों पर ही आरोप लगाया गया था। वहीं यदि एक तरफ से देखा जाए तो हाथरस कांड में जो चार लड़कों को आरोपी बनाया गया था उनका सीधा कहना था कि चारों आरोपी नहीं है, उनका कहीं ना कहीं मानना था कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आई। तो ये कह सकते हैं कि तो उस केस से ज्यादा रिलेटेड प्रभाव नहीं पड़ने वाला है यहाँ हाथरस की सिकंदरा विधानसभा सीट। और वीरेंद्र सिंह राणा जो है, इनका क्या लग रहा है आपको कि इनका जो कोर वोटर है वो इनको एक बार फिर वोट करने जा रहा है, या फिर कई जगह हमने क्योंकि देखा है ऐसा शर्मा जी कि जो स्थानीय प्रत्याशी है उससे लोग नाराज थे, लोग कह रहे थे कि वोट काट दीजिए आप, योगी जी से तो हम खुश हैं लेकिन स्थानीय प्रत्याशी से नाराज हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ तो नहीं है? बिल्कुल वो है, योग्य तो बना हुआ है, मैंने बताया आपको कि जो चीजें हैं वो स्पष्ट है कि वीरेंद्र राणा पे एक जो निशान है वो केवल ये है कि वो कभी लेन देन का कोई मामला उनका सामने नहीं आया, लेकिन जनता के बीच जाने का बहुत बड़ी बात है कि जनता के बीच वो कभी नहीं गए। बहुत सारी चीजें हैं जैसे पानी है, सड़क है, हॉस्पिटल्स है, कोई योग्य तो बने हुए हैं। जी ठीक है, तो दीपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, ठीक है, एक और आम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नाम बताइएगा अपना। मकान रहे, ठीक है उमाकांत जी, ये जानना चाहेंगे कि अभी आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी है जो इस वक्त आपको लग रहा है कि चर्चा में है, उसका पर्चा भी भर चुका और खर्चा भी दुरुस्त है, मतलब कौन सी पार्टी का आपको लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक सिस्टम चल रहा है फिलहाल आपके सिकंदरा राव जी? देखिए, अगर हम सिकंदरा राव की बात करें तो हालांकि पिछली बार जो भाजपा के विधायक थे वीरेंद्र राणा, उन्होंने जो जनता कहना है कि वो कभी भी दिखे नहीं 5 साल में, ना कोई विकास कराया है, उस बात को लेके जनता यहाँ पे नाराज है। अब और ये रिकॉर्ड भी रहा है सिकंदरा राव विधानसभा का, दूसरी बार कोई भी यहाँ विधायक नहीं बन पाया है। अब देखना यह होगा कि इस बार किस पार्टी का विधायक होता है और कितना वो विकास करा पाता है। जी ठीक है, लेकिन जो मौजूदा विधायक है वीरेंद्र सिंह राणा, उनका क्या लग रहा है आपको कि उन्होंने उतना कर दिया है कि एक बार फिर अगर वोट मांगेंगे तो मिल सकते हैं? देखिए, पार्टी ने तो उन पर विश्वास जताया है, लेकिन जो हम जनता की बात करें तो जनता उनसे काफी नाराज है, कहीं भी जाते हैं, लेकिन उनको वो जो
जी हेलो जी उमाकांत जी, एक और चीज जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि जो बाकी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का क्या चल रहा है, क्या हिसाब किताब है समाजवादी पार्टी का? देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक यहाँ पे भखाड़े बगैर समाज से एक प्रत्याशी को घोषित किया है, हालांकि वो भी है, लेकिन यहाँ पे जो लोकल है बसपा के देवेंद्र जी, उनका ज्यादा जोर दिख रहा है सिकंदराव में, क्योंकि लोकल के नेता है और काफी दिन से प्रयास भी कर रहे थे, इसी का उनका व्यवहार है। हालांकि इस बार जनता कहना है कि उन पे विश्वास जता सकती है। जी ठीक है, तो अगर से भी इस बार एक और चीज जानना चाहेंगे कि बसपा का क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि बसपा बड़ा साइलेंट साइलेंट सा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंडर करंट बना हुआ है, तो अंडर करंट जो बना हुआ है वो कितना ज्यादा नजर आ रहा है? तो सिकंदर राव विधानसभा की आज हम तमाम जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं, डिजिटल तौर से एक निरीक्षण है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सिकंदर राव आखिर कितना बदला है और कितना दुरुस्त हुआ है। चलिए ठीक है, एक बार फिर शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, बसपा 2007 में प्रचंड लहर, बसपा ही बसपा दिखने को मिलती थी कई जगहों पर बसपा, लेकिन इस बार बसपा का ही नदारद दिख रही है, उतना ज्यादा इफेक्टिव रूप से चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं करंट है, बसपा को कहां देख रहे हैं आप सिकंदर राव में? जी बिल्कुल, करंट, क्योंकि उसका एक वोटर जो कह सकते हैं फिक्स वोटर है, वो कहीं नहीं जाता है। या जैसे अपने यहाँ कहें सिकंदराव विधानसभा सीट में कहें तो लगभग 40-50 हजार जो ऐसी वोटर है, जाटा वोटर जो उसे बोला जाता है, जो बहुजन समाज पार्टी का फिक्स वोटर है, वो तो है ही। उसके अलावा जो, क्योंकि यहाँ रामवीर उपाध्याय यहाँ से चुनाव लड़े थे उस समय, तो रामवीर उपाध्याय एक अपना क्रेड था, एक चेहरा था, एक रूप था, एक बड़ा, और उसके साथ में जो उनका वोटर था, जो बीएसपी का वोटर था, वो फिक्स वोटर था। अभी कह सकते हैं मायावती बहुजन समाज पार्टी चाहे बेशक बड़े आंदोलन ना कर रही हो या बड़े उसमें शामिल ना हो रही हो, लेकिन उसका जो वोट है वो कहीं काटा नहीं जा सकता, क्योंकि आज भी लोगों का मानना यही है कि वो जो फिक्स वोटर है वो उसका रहेगा, प्लस जो प्रत्याशी है उसका बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा। तो अभी तक उसके खिलाफ, जो बीजेपी के खिलाफ वो बोलती नजर नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो सोच के बैठी हुई है कि वो उसके बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन से सरकार बनाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी, क्योंकि इस समय यदि लहर में कहीं दोनों प्रचार प्रसार में है तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी का हल्ला माना जा रहा है। वही यदि सिकंदर राव विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ बघेल वोटर है, वो भी अपने आप में अच्छी संख्या में है, लगभग 60,000 से आसपास बघेल वोट आता है। दूसरा वोटर ठाकुर, सबसे जो इम्पोर्टेंट वोटर है वो ठाकुर वोटर है, क्योंकि यहाँ दो प्रत्याशी ठाकुर हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी हैं वो ठाकुर समाज से आते हैं, अवधेश सिंह इत्र के बड़े व्यापारी हैं, एक समाज से भी रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि उनका भी वोट अच्छा है। तो फाइट उनके बीच में भी, यानी तीनों को कह सकते हैं कि तीनों इस समय फाइट में हैं, और बहुजन समाज पार्टी को कहीं भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक और पार्टी है, क्योंकि हम जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी का बढ़िया दिख रहा है सब कुछ, पंजाब में तो उनके जीत के भी पूरे कयास लगाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी, संजय सिंह काफी घूमे थे, आम आदमी पार्टी कहीं दिख रही है आपको हाथरस में, अगर मैं पूरे बात करूं तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल एक नाम है दिल्ली में, उनके द्वारा काम किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्योंकि उनका कोई ऐसा काम दिख नहीं रहा है, जो पंजाब की या उसकी बात करें तो, क्योंकि पहली बार वो रहे थे, उनके वो रहे थे और वहां जो उनके सदस्य हैं वो भी बहुत हैं, यहाँ इतने सदस्य भी देखने मिलते हैं। आम आदमी पार्टी का कोई आंदोलन होता है तो उसमें भी 10-15 या 20-25 लोग, बड़ा बहुत नहीं है, यहाँ दो पार्टियां, ये कह सकते हैं कि तीन पार्टियों का, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं साइलेंट मोड में नजर आती है यहाँ। तो यहाँ जो दबदबा है, अब मैं हाथरस की बात करूं या सिकंदराव विधानसभा की बात करूं, तो इसमें जो दबदबा है वो बीजेपी का है, सपा का है और बसपा का है। जी बिल्कुल ठीक है, तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये सिकंदर राव की तस्वीरें हैं, आप इन तस्वीरों को देख लीजिए।
हम आज बात कर रहे हैं सिकंदरा राव विधानसभा की। सिकंदरा राव विधानसभा जो है ये हाथरस के अंदर आती है, मतलब हाथरस जिले के अंदर आती है। सिकंदरा राव विधानसभा से जो मौजूदा विधायक हैं वीरेंद्र सिंह राणा साहब हैं। वीरेंद्र सिंह राणा साहब, क्या 2022 में जब एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं तो क्या जीत मिलेगी या फिर विपक्षी दलों में से कोई ज़्यादा पा जाएगा मतों को, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपेश जुड़ गए हैं। दीपेश, सबसे पहले तो ऊपरी लबोलुआब जरा आप बताइए कि ऊपरी क्या चल रहा है, क्या हाल है ऊपरी माहौल में? जी, माहौल अगर मैं बता दूं काविन, तो पूरा माहौल जो है वो एक तरफा, लोग कहते हैं कि इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। उसी के चलते हुए हाथरस विधानसभा से जो सिकंदर राव की विधानसभा, उसमें भी लगातार प्रत्याशियां जो घोषित हुए हैं, क्योंकि वीरेंद्र सिंह राणा पहले से ही विधायक 2017 में चुन चुके थे, उसके बाद में अब उन्हें भाजपा ने दोबारा भरोसा जताया है और उन्हें अपनी टिकट देकर दोबारा से मैदान में उतारा है। दोबारा भरोसा क्यों जताया गया है? ये तो पार्टी के ऊपर के मामले ही हो सकते हैं, किस तरीके नहीं, नहीं पार्टी के ऊपर तो हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप सिकंदर राव को पूरा जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, वहां की सियासत को समझते हैं, तो विधायक जी ने कुछ तो ऐसा काम किया होगा जिसके चक्कर में उनकी रिपोर्ट अच्छी गई, और जब रिपोर्ट अच्छी गई तो उनका टिकट बन गया दोबारा से। दीपेश जी, जी बिल्कुल, रिपोर्ट जो है यहाँ की, अगर जनता का बात करें तो जनता बिल्कुल भी नाखुश दिखाई देती है। यहाँ के जो विधायक हैं बीजेपी से, उनसे बिल्कुल नाखुश है, क्योंकि उन्होंने, अगर लोगों की कहने, तो लोगों का कहना है कि उन्होंने कोई भी कार्य, तो दूर की बात, जब वो विधायक हमें दिखे ही नहीं तो वो कार्य क्या कराएंगे? वो विधायक जहाँ रहते ही नहीं, उनका कोई आवास नहीं सिकंदरा राव में, तो वो जनता के बीच में रहकर क्या काम करेंगे? बिल्कुल, अब ये बताइए, जैसे हाथरस के जरिए कई जो छोटे दल थे, कई जो बाहर के दल थे, उन्होंने सियासत को चमकाने की कोशिश की। मैं बात यहाँ आम आदमी पार्टी की भी करूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कई दफा हाथरस के मुद्दे को इनकैश करने की कोशिश की है, तो ऐसे में ये जानना चाहूंगा बस कि आम आदमी पार्टी का कुछ भी यहाँ होता दिख रहा है, कुछ भी भला होता दिख रहा है? जी नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उसके बाद हाथरस विधानसभा में तीनों सीटें अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई भी वर्चस्व नहीं है, उसे लोग जानते भी नहीं है। उनके कार्यकर्ता पार्टी ने तीनों विधानसभाओं से प्रत्याशी जब उतारे हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें देखने को नहीं मिला अभी तक, कोई प्रचार प्रसार भी उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। बहुत सारी क्या समस्या हो सकती है, क्या समस्या हो सकती है? समस्या या फिर ये है कि थोड़ा सा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो अलग है। दिल्ली का सोशल स्ट्रक्चर अलग है, यूपी का सोशल स्ट्रक्चर अलग है। मतलब दिल्ली में तो एक घर में भी एक ही बच्चा होता है, वो भी कहीं सेंट मैरी या सेंट मैरीलैंड में पढ़ रहा होता है, मैगी खा के बड़ा हो जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो एक एक घर में 6-6, 7-7 लड़के मिल जाते हैं, 2 बम्बई में कमा रहे हैं, 2 दिल्ली में कमा रहे हैं, 1 जेल में, 1 कचहरी में, है कि नहीं? तो ये सोशल स्ट्रक्चर जो अलग है, ये समस्या हो सकती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर लोगों की मानसिकता का, अगर हम उत्तर प्रदेश के लोगों की या हाथरस विधानसभा के लोगों की बात करें, तो अगर दिल्ली से इसे तोला जाए तो ये बिल्कुल ही गलत है। आम आदमी पार्टी की जो सोच है वो बिल्कुल गलत जाती है, क्योंकि यहाँ एक ही परिवार में 10-12 लोग होते हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहाँ एक ही परिवार में 1 या 2 लोग होते हैं जो एक ही घर में रहकर भी काम चला लेते हैं। बसपा की अगर हम बात करें, यहाँ से जो सिकंदरा विधानसभा से प्रत्याशी हैं ठाकुर अवधेश सिंह, उनका जहाँ एक थोड़ा सा एक समाज से भी रहे हैं, उन्होंने बहुत समाज सेवाएं की हैं, तो उसके चलते उनका थोड़ा जो पल्ला है वो भारी दिख रहा है। वो भाजपा से अगर बात करें तो विधानसभा सिकंदरा राव में उनसे उनकी टक्कर भी हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपेश, और तमाम जानकारियों के लिए। तो आज का कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा देश है के यूपी एडिशन में हमने बात की है सिकंदरा राव विधानसभा की, और जाना है कि आखिर सिकंदरा राव विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है और किसका जो सिस्टम है, जो टेम्पो है, जो यूपी की भाषा में बोलते हैं टेम्पो, किसका हाई है, इसको समझने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा। शुक्रिया।